नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अखिलेश यादव की ये रणनीति क्या, योगी के हिंदुत्व पर पड़ेगी भारी? प्रेस रिव्यू। अखिलेश यादव ने सभी ओबीसी से लेकर ब्राह्मणों तक को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जिन 56 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें कई बीएसपी के बागी हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने आज अखिलेश यादव के जातीय समीकरण पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। आज की प्रेस रिव्यू की लीड में इसी रिपोर्ट को पढ़िए। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत जातीय समीकरण तैयार किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की कुल 10 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। पार्टी ने इन 5 में से 4 विधायकों आलमबंदी संग्राम यादव, नफीस अहमद और दुर्गा प्रसाद यादव को फिर से मैदान में उतारा है। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें जिन्ना का उपासक बताया है। अखिलेश यादव ने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसा महापुरुष बताया था। सीएम योगी ने अखिलेश का नाम लिए बिना ट्वीट किया, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है और हमको हमारी माँ धरती पर हम जान न्योछावर करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी सीएम ने अपने ऊपर लगे कितने केस वापस लिए, अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए वक्त बेहद कम बचा है। 10 फरवरी को वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद अब दागी उम्मीदवारों की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर हमलावर है तो जवाब देने में खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव के सहयोगी ओपी राजभर ने तो ये भी कह दिया, अतीक अहमद क्या ब्रजेश सिंह आए तो उनका भी स्वागत है। TV9 भारतवर्ष पर इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से दागियों को टिकट देने पर कहा कि सवाल ये उठता है कि केराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को सपा ने टिकट क्यों दिया। बुलंदशहर के अपराधियों को गले लगाने का औचित्य क्या है, हिस्ट्री स्ट्रीटर को गले लगाने का क्या मतलब है। यूपी के नागरिकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश, जाने क्या बोले सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में मतदान से पहले हर प्रदेशवासी को टीके का सुरक्षा कवर जरूर मिल जाए। 31 जनवरी तक 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है। सीएम ने गुरुवार को TV9 की बैठक में कहा कि वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 72,393 है। इनमें से 98% से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है, अच्छे है। सुप्रीम कोर्ट SC ST का प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुनाएगा अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर आज अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विषय में महान्यायवादी के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASD बलवीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना। केंद्र ने पीठ से कहा था कि ये सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी SC ST समुदाय के लोगों को अग्रे वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया गया। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट नई सरकार बनने के बाद होगी जारी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की समय सारिणी प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद ही जारी होगी। बोर्ड ने 14 अगस्त को जारी अपने शैक्षणिक कैलेंडर में मार्च अंत से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रस्तावित की थी, लेकिन परीक्षा की समय सारिणी पर कोई निर्णय होने से पहले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही समय सारिणी पर मुहर लगेगी। 10 मार्च को मतगणना के बाद 1 सप्ताह में सरकार के गठन की उम्मीद और उसके बाद यानी मार्च में 3 सप्ताह में समय सारिणी फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ष 2020 की 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए समय सारणी सरकार ने 8 महीने पहले 1 जुलाई 2019 को ही जारी कर दी थी। उस समय तर्क दिया गया था कि समय सारणी जल्द जारी करने से बच्चों को तैयारी का भरपूर समय मिलेगा और नकल पर रोक लगेगी। यूपी पुलिस विभाग में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, 69,000 तक वेतन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड UPPBPB ने वर्कशॉप स्टाफ पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पहले 20 जनवरी से शुरू होने वाली थी, जिसे आगे बढ़ाकर 27 जनवरी से शुरू किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट UPPBPB.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से पुलिस विभाग में वर्कशॉप स्टाफ के 120 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिन
उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, दूरसंचार, रेडियो और टेलीवीजन में आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹400 है। आवेदन शुल्क का भुगतान ई चालान या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। 10 लाख नौकरी मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस सर्विस फ्री, आपने यूपी की जनता से किए वादे। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने सूबे की जनता से मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे केजरीवाल गारंटी कार्ड नाम दिया गया है। पार्टी ने राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का वादा किया है। आपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून लाने का भी वादा किया है। संजय सिंह ने कहा है कि हम सभी कृषि ऋण माफ कर देंगे और 24 घंटे के भीतर किसानों को उनकी उपज की लागत प्रदान करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, खाते में आ सकते हैं ₹2 लाख। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही उनके 18 महीने के बकाया डीए पर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में ₹2 लाख तक आ सकते हैं। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। बजट में पेंशन धारकों को मिलने वाली है खुशखबरी, इतने रुपए बढ़ सकते हैं पेंशन। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगे। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साल के बजट पर पेंशन के लिए बुजुर्गों की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि देश में बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी तक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दायरा नहीं होने से कोरोना जैसी महामारी के निशाने पर है। इन वर्गों के कल्याण के लिए काम रहे अनेक संगठन ने सरकार से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 3000 करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उम्मीद लगाई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।